असल एंड लेट्स गेट राइटिंग हम बात करें हैं नारीटिव नॉन फिक्शन की तो नॉन फिक्शन हमने जैसे कहा कि इट्स अबाउट फैक्ट्स इट्स अबाउट रियालिटी और नारीटिव नॉन फिक्शन जो है इट इज़ बेसिकली टेलिंग दिज फैक्ट्स एंड स्टोरीज एज़ अ स्टोरी तो यानी कि हम सिर्फ uh, ख़ाली फैक्ट्स बयान नहीं करे वन ऑन टॉप ऑफ दी अदर बल्कि हम इसकी एक कहानी बना रहे हैं उसको हम नारीटिव नॉन फिक्शन कहते हैं so if you look at the definition writing that tells a factual story sometimes even a personal one but also makes an argument and conveys information in vivid effective ways yani ke we ye hua fiction likhte hain creativity aati drama aata flow aata hai loves are juxtaposed maze tarike se juxtapose where you are using action verbs एंड नाउंस टुगेदर टू क्रिएट सेंसरी पिक्चर्स इसको हम नरेटिव नॉन फिक्शन कहते हैं द की थिंग दैट सेट्स नारेटिव नॉन फिक्शन अपार्ट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ नॉन फिक्शन इज़ द फैक्ट दट इट इज़ अरेटिव और स्टोरी। तो यानी कि बहुत ज़रूरी है कि इसका एक बिगिनिंग हो एक मिडिल हो और इसका एक एंड हो तभी जाके ये नारेटिव नॉन फिक्शन बनता है एंड इट सेट्स इट्स अपार्ट फ्राम अदर काइंड ऑफ नॉन फिक्शन जहाँ कहानी बतानी जरूरी है वहाँ इंफॉर्मेशन देना भी बहुत जरूरी है नॉन फिक्शन में सो विच इज़ वाई वी हैव टू मेक श्योर दैट वी हैव फैक्ट्स इन देयर वी हैव इन्फॉर्मेशन इन देर एंड वी हैव रिसर्च मटेरियल दैट वी हैव डन थ्रू आउट दिस टाइम एंड वी आर प्रेजेंटिंग समथिंग न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव टू द रीडर इट इज़ अरेटिव बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अ सीरीज ऑफ फैक्ट्स बट इट इज़ अ स्टोरी जिसरा हमने पहले भी बात की कि हम बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं They make sense. Yani ke jude mein. Yeh niiye ki bas humne idhar bahut sare blocks aise aise rak diye. Aur wo bahut sare facts hai. Hawa mein terre. Unka na shuru hai na beach hai na end hai. So narrative story ke liye bahut hai that it is a full story where it starts at one place and it takes the reader to another place. So if we read an excerpt from this, the little four wheelers live on risk. They endanger themselves. They endangered us. If you're in a big truck, they're around you like gnats. They're at their worst in the on ramps of limited access highways. Not to mention what they do on horses and buggy highways. They do the kissing tailgate. They do passing moves over double yellow lines. They make last second break ins from stop signs on feeder roads. The way they are operated suggests insufficiency in, among other things, coordination, depth perception, and rhythm. When I went to bad driver school, the opening lecture did not imply any such flaws in his students. He was a real bear. He wore blue and yellow trousers and a badge. In a voice fired like a 0.45, he began by asking, how many of you people think you're good drivers? Bath hori hai ek situation ki driving instruction hai. तो हम अगर ड्राइविंग इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कई तरीके ही कुड वेरी इजिली जस्ट निरेटेड दैट आई वेंट टू ड्राइविंग बैड ड्राइविंग स्कूल वेर इन इंस्ट्रक्टर वॉज़ टेलिंग मी हाउ टू ड्राइव नाउ इंस्टेड ऑफ प्रजेंटिंग जस्ट दिस फैक्ट एज अ फैक्ट ही इज़ बीन क्रिएटिव इन द वे दैट ही इज़ शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद अस उसने मज़े में उसने पूरी एक कहानी के तौर पे हमें बताया कि रोडों पे होता क्या है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जो अजीब तरीके से चलती हैं ओवरटेक करती हैं बम्पी रोड्स पर चलती हैं गंदी तरह से ड्राइव करते हैं और लोग जो हैं उसको ऐसे ऐसी जगह कोई मेंशन नहीं करता है इन बातों को जब आप बैड ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं बल्कि बड़े एक स्ट्रेट तरीके से कहा जाता है आप में से कितने लोग समझते हैं कि आप एक अच्छे ड्राइवर हैं सो दिस इज़ ए नैरेटिव नॉन फिक्शन फॉर्म ऑफ राइटिंग सो वी हैव टू बी सेलेक्टिव हमें पहले ये फैसला करना है कि हमने किसके बारे में लिखना है तो एक दफ़ा हम फैसला कर लेते हैं वी हैव टू मेक श्योर दैट इट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ सॉरी समथिंग दैट इज़ ऑल्सो इंफॉर्मेटिव तो हमारे बहुत सारी ज़िंदगी के uh, जो एक्सपीरियंसिस होते हैं बहुत सारे जो चीज़ें चल रही होती हैं उसमें से हमें डिसाइड करना होता है कि इसमें से हमें कौन सा हिस्सा है जिसके बारे में हमने लिखना है सो वी हैव टू बी सेलेक्टिव but it has to be the selection has to be based on information and interest of the reader the other one is detailed yani ke aapne facts uthane aisi cheez upar aapke facts research hai data hai information hai aur aap uske likh sakte so first you have decided what you want to write then you have to make sure that you are presenting enough details and enough information enough arguments enough डेटा ऑन दैट दैट इट keeps द इंटरेस्ट alive फॉर द रीडर टेक द रीडर विद यू कोशिश करें कि जो नरेशन है वो फर्स्ट पर्सन में हो यानी कि आप हैं या अगर आप जैसा कोई बंदा है उस कहानी में तो उसके अंदर आप उस कैरेक्टर को थोड़ा सा राउंड कर दें जिसको हम थ्री डायमेंशनल कह देते हैं आप उसको इतना क्रिएट कर देते हैं कि लोग उसको फील कर सकते हैं उसको ऐसे लगता है कि वो उनके साथ हैं या उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं और ये एक राइटिंग uh, फॉर्मेट uh, हम फिक्शन में बहुत ज़्यादा देखते हैं मगर आजकल नॉन फिक्शन में भी इस्तेमाल होता है ताकि यू कैन रिटेन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द कैरेक्टर्स दैट यू हैव आर इंटरेस्टिंग सो बी क्रिएटिव सो मेक श्योर जस्ट लाइक वी सजेस्टेड कि कैरेक्टर्स को अगर आप फिक्शन की तरह बिल्ड करें सो दैन द वर्ड्स एंड टेक्निक्स दैट यू यूज इन फिक्शन यू कैन ऑल्सो Sort of use them in uh, non fiction as well. Be creative, revise and edit. This is important in fiction, but even more so important in non fiction because you have to make sure that your facts are there, your information is there, what you want to express is there, and everything is done in an economical manner. It's not too exaggerated, it is factual. Thank you.